जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर अलर्ट जो है वो संवेदनशील जिलों में लगाया गया है। तो अब यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट है। जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हर एक आने जाने वाले लोगों की जो है वो चेकिंग यहाँ पर हो रही है। सब पर निगरानी रखे हुए हैं ताकि कोई प्रदेश का माहौल ना बिगाड़ सके, क्योंकि बिहार में जिस तरह से दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था, कई लोगों की जाने गई थी, कई लोग घायल भी हुए थे, काफी अशांति देखने को मिली थी, जिसकी भनक कहीं ना कहीं यूपी तक भी पहुंच गई थी। तो आज जुमे की नमाज है और बेहद ही सेंसिटिव अभी माहौल जो है वो बना हुआ है, उसी को देखते हुए संवेदनशील जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है वो तैनात है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण यहां पर रह सकता है। हालांकि जिस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया, उसका धरातल पर भी असर दिखाई दे रहा है, आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। तो दिल्ली हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज है और ऐसे में संवेदनशील जिलों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि शांति और सौहार्द को प्रदेश के बनाए रखें। तो हर एक संदिग्ध गतिविधि पर भी पुलिस के जो जवान हैं वो अपनी नजर बनाए हुए हैं, ताकि जो स्थिति है वो सामान्य रह सके, कोई इस माहौल को ना बिगाड़ पाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस अलर्ट का धरातल पर असर नजर आ रहा है। तो चप्पे चप्पे पर ये पुलिस बल की तैनाती, तो जिस तरह से दिल्ली में हिंसा भड़की उसके बाद यूपी में किस तरह से अलर्ट है वो आप इन 6 तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, संभल, गाजियाबाद की ये 6 तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, सुरक्षा कड़ी हो रखी है। तो वहीं आप देख सकते हैं कहीं पैदल मार्च कर लोगों से यह अपील की जा रही है कि प्रदेश के माहौल को ना बिगड़ने दिया जाए, शांति और सौहार्द लोग बनाए रखें। तो धरातल पर इस अलर्ट का किस तरह का असर है वो आप इन 6 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो दिल्ली हिंसा के बाद इस तरह से कोई कोताही जो है वो पुलिस प्रशासन नहीं बरतना चाहता है। सरकार के भी सख्त निर्देश हैं कि अगर कोई उपद्रव मचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो साथ ही लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि शांति को बनाए रखें, किसी भी तरह की गलत अफवाहों पर भी ध्यान ना दें। तो ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जमीन पर जो अलर्ट का असर है वो देखा जा रहा है। तो अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, संभल, गाजियाबाद ये वो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है। तो अभी भी कहीं ना कहीं CAA को लेकर जो लोगों में नाराजगी है, उस नाराजगी के चलते माहौल बिगड़ने की जो आशंका रहती है उसी के चलते किस तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है वो आप 6 तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। ना सिर्फ ये 6 तस्वीरें बल्कि यूपी में ज्यादातर जगहों पर इसी तरह से सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है ताकि जो प्रदेश का माहौल है वो सामान्य बना रहे। तो दिल्ली में हिंसा के बाद अब यूपी किस तरह से अलर्ट पर है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। तो हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें मुस्तैदी की दिखाई दे रही है। तो जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। संवेदनशील जिलों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस जो तैनात है वो सेंसिटिव इलाकों में लगाई गई है। तो आप कुछ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे दिशा निर्देश किस तरह से हर स्थिति से निपटने के लिए जो वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी हैं उनको हिदायतें दी जा रही हैं। गोरखपुर की आप तस्वीर पर अगर नज़र डालें तो आप वहाँ देख सकते हैं, संभल में भी इसी तरह से दिशा निर्देश जो हैं वो लोगों को भी दी जा रहे हैं। लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील जो है
वो यहां पर की जा रही है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम खान, तो वहीं संभल से सद्दाम हुसैन हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं और वहां पर किस तरह से अलर्ट का असर देखा जा रहा है उन्हीं से हम जानकारी ले लेते हैं। फहीम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, दिल्ली हिंसा के बाद अब यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया, अगर रामपुर की बात करें तो वहां पर किस तरह का असर अलर्ट का? हेलो जी फहीम, मैं आपको सुन पा रही हूँ। देखिए आशिमा, 21 दिसंबर 2019 को रामपुर के गंगा जमुनी तहजीब के सीने पे भी दाग लगा था, यहाँ पे भी हिंसा हुई थी और उस हिंसा में एक युवक को अपनी जान देनी पड़ी थी। उस हिंसा में बहुत ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया था, हिंसक प्रदर्शन हुआ था और उस हिंसा के बाद में अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया था। तो जिस तरह से यहाँ पे रामपुर के अंदर हिंसा हुई उसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। उस अलर्ट में ये है कि यहाँ पे लखनऊ से एडीजे 6 को स्पेशल ड्यूटी पे भेजा गया है रामपुर के अंदर। अगर मैं जोन की इसकी बात करता हूँ तो एडीजी जोन अविनाश चंद्रा जो है वो मुरादाबाद और एडीजी लखनऊ से स्पेशल भेजे गए हैं राम कुमार, उनको स्पेशल रामपुर में कैंप करने के लिए भेजा गया है। तो यहाँ पे जो दिल्ली में हिंसा हुई है उसको देखते हुए सीए और एनआरसी के विरोध में आवाज उठना लाजमी माना जा रहा है। इसकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम इतने पुख्ता हैं कि एडीजी ने पूरे जिले के अंदर घूम के सभी थानों की फोर्स को अलर्ट पे रखा है, पूरे जिले को हाई अलर्ट पे रखा है, चप्पे चप्पे पे फोर्स मौजूद है और फोर्स जो है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आला अधिकारी निकले हुए हैं, गाड़ियां मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं घूम रही है, बिल्कुल पुलिस फोर्स तैनात है। और धर्मगुरुओं से भी पुलिस ने, एडीजी राम कुमार ने अपील की है कि वो भी अपनी मस्जिदों से और अपने अपने धार्मिक शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। फहीम, लौटूंगी मैं आपके पास, संभल से हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम वहां की जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह का असर जो है वो अलर्ट का दिखाई दे रहा है। सद्दाम, यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जो है वो संवेदनशील इलाकों में जारी किया गया है, संभल की बात करें तो संभल में किस तरह का असर अलर्ट का? जी आशिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए संभल की तो अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में संभल आता है और दंगों के दाग संभल पर अक्सर लगते रहे हैं। और बात की जाए बीते 18 और 20 दिसंबर की और जिस तरीके से सीएए और एनआरसी को लेकर संभल में हिंसा हुई थी और जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उसको लेकर चारों तरफ हंगामा हुआ था, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अब इस बात का भी अंदेशा है कि अलीगढ़ और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से इस विरोध प्रदर्शन ने हिंसा का रूप लिया है, तो जो 2 युवकों की यहाँ पर जान गई थी तो कहीं ना कहीं वो आग अभी भी धुधक रही हो। और वहीं जो कि कुछ उधर भी हैं जो कि जिले का माहौल खराब करना चाहते हैं, उन पर भी पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से निगाह बनी हुई है। और क्योंकि जिले को अति संवेदनशील श्रेणी में आने को लेकर और जिस तरीके से शासन की तरफ से जो IG हैं मुरादाबाद रेंज के रमेश शर्मा, उनको यहाँ पर भेजा गया है और जिस दिन से यहाँ पर हिंसा हुई थी उसी दिन से जो बाहरी सुरक्षा बलों की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है और लगातार अन्य जनपदों से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है, पुलिस लाइन से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। और जो जुमे की नमाज है उसको लेकर पुलिस जो है संभल की वो अलर्ट पर है। अगर बात की जाए चंदोसी इलाके की या संभल सदर की, तो पुलिस जगह जगह जा रही है और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से इस पूरे मामले पर बात कर रही है और जिले के अंदर शांति व्यवस्था बनाने की पहल को लेकर ही लोगों से अपील की जा रही है। लगातार मस्जिदों पर जाया जा रहा है और मौलानाओं से बात की जा रही है, लोगों से कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद सीधे घर जाए, एक जगह इकट्ठे नहीं हो। और जिले में जब से सीए को लेकर और एनआरसी को लेकर हिंसा हुई थी जब से जिले के अंदर धारा 144 लागू है। जी आशिमा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम और फहीम, आप दोनों का ही